तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा रिबूट कैसे करना है और रिबूट से फायदा क्या होता है ये भी दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी 100% है और ये दोनों बटन है ना आर और रेड एक साथ दबाना है, तो इसको तब तक दबाना है। हाँ एक चीज ध्यान रखें, ये अनलॉक पोजिशन में रहेगा तो हमको नहीं करना, ये लॉक कर लेना है पहले, लॉक पोजिशन में ही रिबूट होता है। ये अब लॉक हो गया है, अब हम ये दोनों बटन दबाएंगे एक साथ और तब तक दबाएंगे जब तक ये स्क्रीन में कुछ लाइट सा ना जले, हल्का सा जलेगा तब तक दबाएंगे। तो देखिए जो क्रूज कंट्रोल के भी काम आता है, तो ये दोनों दबाएंगे, हल्का सा स्क्रीन व्हाइट सा होगा यानी उसकी एलईडी जलेगी, तब हमको तब तक दबा रखना है, रिबूट होने लगा। एक चीज और ध्यान रखिए, एकदम लेफ्ट रहेगा ना जहां लॉक नहीं होता तो भी रिबूट नहीं होता, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे तो मेरे ख्याल से बेटर तरीके से हो पाएगा, अदरवाइज 2-3 बार में करना पड़ता है। तो ये अभी मुझे पता चला है, हल्का सा एकदम राइट पे रखें, ये रिबूट हो चुका है, फिर से पिन डालते हैं। देखिए अभी 100% 135 दिखा रहा था, 130 हो गया है और ये 96 हो गया है रिबूट करने पे। तो ये रिबूट करके अब हम इसको और चार्ज करेंगे, 4% 5% ऐसे रहता है अलग अलग समय, तो ये ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा दूर जा पाएगा, रेंज बढ़ जाएगी अगर हमको दूर जाना है तो, ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो ये देखिए चार्ज होने लगा, ये अब देखिए हमने फुल चार्ज कर लिया है। अब ये फैन भी बंद हो गया है, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे एक लाइट होती है जो आप लोगों ने बताया, वो ग्रीन हो गई है अंदर, ये ग्रीन हो गई है। तो इसको 100% मानते हैं कुछ लोग और मेरे ख्याल से सही भी है। तो अब हम फिर से रिबूट करके देखते हैं, एक बार रिबूट किया था 100 से 96 हो गया था, आप देखते हैं कितना होता है रिबूट करने के बाद। तो भाई फुल चार्ज होने के बाद एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, रिबूट करने से पहले इसको ऑफ करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा इधर से भी, क्योंकि इसके बिना ना पासवर्ड आता ही नहीं है। ये फीचर है सेफ्टी, अगर चार्जर लगा है फुल चार्ज है तो पासवर्ड देखिए अपने आप आ गया है, तो पासवर्ड आता ही नहीं है, ताकि आप गाड़ी को गलती से आगे ना बढ़ाएं। ऐसा एक बार मेरे साथ हो चुका है, कोई फोटोग्राफी के लिए मेरी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था और ये टूट गया था, इसको मैंने नया फिर लगाया है जुगाड़ से, तो ये इशू हो सकता है, इसलिए सेफ्टी फीचर है। अब मैं रिबूट करके देखता हूँ। तो रिबूट करने के लिए तैयार हम लोग, फिर से वही बटन और कुछ देर तक ये देखिए लाइट आ गया ना, तो ये लाइट के बाद ओला का लोगो आ जाएगा, तो इस तरीके से रिबूट करते हैं बहुत ही आसानी से, ओला का भी लोगो आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बीच में कोई भी बटन मत दबाइए तो बेटर रहेगा। तो 135 दिखा रहा है ग्रीन के जलने के बाद, 100% बैटरी दिखा रहा है और 12:23:32 जो भी है। अब हम रिबूट करते हैं और देखते हैं कि कितना होता है। तो ये अब ओला का लोगो आ गया है, रिबूट हो रहा है, अब देखते हैं कि 2 बार ऐसा करने से 100% होता है कि नहीं। तो फिर से पिन आ गया, पिन डालते हैं। तो इस बार देखिए कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ है, 135 ही रेंज है, 100% बैटरी है, 12:34 हो गया है। तो ये ध्यान रखें, रिबूट करके चार्ज करेंगे 100% या ग्रीन होते तक चार्ज करें तो आपको बेटर रेंज मिलेगा। और ये है रिबूट का प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।